हाय दोस्तों, मैं विजय आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी सीरीज फाइव ब्रेकआउट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग के इस वीडियो में हम पांच ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। हो सकता है किसी के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है, किसी में ब्रेकआउट होने वाला है, और ये जो वीडियो है ये हमारी इस सीरीज का 18वां वीडियो है। 17वां वीडियो आपको ये मिल जाएगा जिसमें हमने पांच स्टॉक के ऊपर बात करी थी। चार स्टॉक ने यहाँ पे धमाकेदार रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, उससे पहले यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में जिन पांच स्टॉक के ऊपर हम बात करें सिर्फ एक एजुकेशन की मकसद से है। मैं आपको एक राय दूंगा कि जिन स्टॉक्स के ऊपर हम बात करेंगे कम से कम आप खुद अपनी एक एनालिसिस जरूर करना कि ये स्टॉक कैसे लग रहे हैं। बाकी इन स्टॉक्स के अंदर खरीदारी बिकवाली करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लेना। चलते हैं कौन से पाँच स्टॉक है। उससे पहले हमने जो लास्ट वीक जो स्टॉक दिए थे एक बार हम उनों के ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखें दोस्तों, लास्ट वीक का जो अपना पहला स्टॉक था वो था एक्सेलिया का। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश और करूंगा, जिन पांच स्टॉक्स के ऊपर हमने लास्ट वीक बात करी थी उन पांचों में से आपने कौन कौन स्टॉक के अंदर प्रॉफिट किया है वो मुझे यहाँ पे जल्दी से कमेंट्स करके बताना है और कितने परसेंट का प्रॉफिट किया है, ताकि हमको भी जानकारी हो कि आप हमारे वीडियो देख के और जरूर यहाँ पे कुछ स्टॉक मार्केट में पैसे बना रहे हैं। तो प्लीज जल्दी से मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो हमने जो लास्ट वीक सबसे पहला स्टॉक था एक्सेलिया का, तो यहाँ पे 1450 के इस लेवल के ऊपर हमने आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करने के लिए कहा था। हमारा जो टारगेट था वो 1750 रुपए का था, ये वाले रेजिस्टेंस का टारगेट था। और आखिरकार इस वीक फ्राइडे के दिन जाके यहाँ पे ये टारगेट हमारा एक्सेला के अंदर कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो लगभग 300 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट आपको एक्सेला के अंदर हुआ है। लास्ट वीक का ये जो सेकंड स्टॉक है वो था अपने पास में पूना वाला फिनकॉर्प का, और आपको याद होगा कि मैंने अपना जो बेस्ट स्टॉक है पूना वाला फिनकॉर्प को भी बताया था और एक्सेलिया को भी बताया था। तो पूना वाला फिनकॉर्प में लगभग 450 के ऊपर बाइक करने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ पे कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना था। और यहाँ पे देख सकते हो पूरे वीक ये स्टॉक बहुत ही बुलिश रहा था। इस समय 496 रुपये स्टॉक का भाव हो चुका। तो अगर हम सीधा राउंड फिगर में भी काउंट करते हैं तो यहाँ पे आपने लेट एंट्री ली होगी, फिर भी 40 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट आपको पूना वाला फिनकॉर्प के अंदर यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर ये स्टॉक अभी तक आपने सेल नहीं किया है तो अभी भी आपको इस स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। बाकी एक्सेलिया यहाँ पे एक आईटी स्टॉक है, आप देख सकते हो किस तरह से आईटी स्टॉक में ये जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक्सेलिया को भी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते। लास्ट वीक का जो तीसरा स्टॉक है अपने पास में वो डीबी रियल्टी का था। डीबी रियल्टी को देखिए, हमने यहाँ पे ये सपोर्ट था पहले, सॉरी रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे सपोर्ट बन चुका था और ये एक रेंज बन चुकी थी और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था। तो इसी ब्रेकआउट के ऊपर हमने यहाँ पे आपको लगभग 200 रुपये के आसपास के लिए एंट्री के लिए कहा था, और जो हमारा पहला टारगेट था यहाँ पे डीबी रियल्टी में वो ये वाला रेजिस्टेंस का एरिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने एक जबरदस्त तेजी दिखाई, लगभग एक सर्किट लगाए 10% की तेजी आई है, और वीक के लास्ट दिन जाके यहाँ पे डीबी रियल्टी ने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। इस स्टॉक में भी लगभग 10% का आपको प्रॉफिट हुआ है, और जिस तरह की यहाँ पे कैंडल बनी है और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो इस स्टॉक को अगर आपने अभी तक सेल नहीं किया तो होल्ड करना चाहिए आपको। अभी भी ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर गिरावट देखने को मिलती है तो कम से कम भैया 50% प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना, ताकि ज़्यादा आपको यहाँ पे लॉस वगैरह ना हो, कम से कम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। और लास्ट वीक का चौथा स्टॉक अपने पास में JWL का था। दुर्भाग्य से JWL के अंदर यहाँ पे जिस भाव पे हमने दिया था उसी के लगभग आसपास में ही यहाँ पे काम कर रहा है, और ये यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न बना था JWL। इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर हमने यहाँ पे बाई करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है, लगभग 344 के आसपास बाइंग का लेवल था, 354 रुपये चल रहा है, तो कम से कम 2 से 3% के प्रॉफिट में JWL के अंदर आप अभी भी हो। और यहाँ पे देखिए, ये एक रेजिस्टेंस था जिसी के पास में अभी ये कंसोलिडेशन हो रहा है, और यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न फिर से JWL के अंदर बन चुका है। अगर आपने ये स्टॉक खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पे अभी भी आपको होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को, और यहाँ से अगर कप एंड हैंडल पैटर्न का ये ब्रेकआउट देता है तो हमको लगभग यहाँ पे 400-450 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं JWL के अंदर। और यहाँ पे SL आपको क्या रखना होगा, मेरे हिसाब से जो अब आपका SL बनता है इसके अंदर 335 रुपए का, 335 रुपए का कम से कम एक डे कैंडल क्लोजिंग का आपको JWL के अंदर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। और लास्ट वीक का सबसे अंतिम स्टॉक है बायोकॉन का। बायोकॉन के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आपको वीडियो में अच्छी तरह से याद होगा कि बायोकॉन में हमने क्या कहा था।
हमने उसमें ये कहा था कि जो फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे आपको उसके अंदर खरीदारी करनी है। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये फ्राइडे की कैंडल है अपने पास में, और अगर मैं इसके हाई की बात करता हूँ तो 294.50 का हाई है। और आपको अच्छी तरह से वीडियो में याद होगा हमने क्या कहा था कि फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर निकलने के बाद ही बाइंग करनी है, उससे पहले मत करना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी बायोकॉन के अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनी है। अगर आपने यहाँ पे जल्दबाजी के अंदर एंट्री कर भी ली है तो मैं आपसे ये कहूँगा जब तक इस 20 EMA के ऊपर स्टॉक होल्ड है आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो लगातार 20 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ये स्टॉक थे लास्ट वीक के, और उम्मीद करता हूँ कि इनमें से आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। अब चलते हैं इस वीक हम कौन से 5 स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं। इस वीक का हमारा जो पहला स्टॉक है वो है गेल इंडिया का, और गेल में एक बहुत अच्छी तेजी के बाद में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रही थी। अब एक यहाँ पे देखिए, एक बार बार सवाल पूछा जाता है कि जिस स्टॉक के ऊपर आप बात करते हैं हमको पता नहीं चलता कौन सा स्टॉक है। देखो भाई यहाँ पे देखो, इस जगह पे मैं यहाँ पे स्टॉक का नाम भी लिख दूंगा, और मैं चार्ट दिखाने से पहले आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम भी दिखाता हूँ, स्टॉक का भाव भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि मैं कौन से स्टॉक के ऊपर बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे टॉप पे तो देख ही सकते हो, मैं वहाँ पे भी स्टॉक का नाम लिख दूंगा। तो कौन से स्टॉक का चार्ट दिखा रहा हूँ आप इसको समझ लीजिएगा। गेल के सबसे पहले हम भाव की बात करते हैं, 162 रुपये फ्राइडे का क्लोजिंग भाव है, और लगभग 2% के आसपास की तेजी हमको गेल इंडिया के स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए जितने भी गैस वाले स्टॉक है ना, सब में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे सभी के चार्ट बढ़िया हो चले। तो चलते गेल के चार्ट पे देखते हैं कौन सा यहाँ पे पैटर्न बना है। दोस्तों अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम पे भी हम मार्केट के समय अच्छे अच्छे चार्ट पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं गेल का आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूँ कि कौन सा ब्रेकआउट हमको हुआ था। तो यहाँ पे 135 रुपये के आसपास एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट पिछले 5-6 साल का हमको गेल के स्टॉक के अंदर होता हुआ नजर आ रहा था, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी हमको बना था। लेकिन हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को देख रहे हैं, यहाँ पे 1 से 10 दिन के ट्रेड के लिए देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे डे चार्ट के ऊपर चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे किस तरह के पैटर्न इसके अंदर बन रहे हैं। गेल का डे चार्ट है, और यहाँ पे डे चार्ट में देखेंगे पहली बार अपना ऑल इज वेल यहाँ पे बना था गेल के अंदर, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल इज वेल, और इस ऑल इज वेल के बनने के बाद में क्या शानदार तेजी गेल के स्टॉक में देखने को मिली है। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है आपको ऑल इज वेल के बारे में जानकारी होगी कि एक स्टॉक की तेजी के बाद में वहाँ पे टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन आने वाला है। तो यहाँ पे एक टाइम करेक्शन गेल के स्टॉक के अंदर यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना है, ये वाली ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का, ये वाली ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है, और ठीक इस ट्रेंड लाइन के पास में जाके हमको लगभग एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरह का हमारा यहाँ पे पैटर्न है और जो मेरी एक स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये जो करेक्शन गेल के अंदर थी ये अब खत्म हो चुकी है, और जैसी रैली ये आई थी ऐसी रैली यहाँ पे इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हमको देखने को मिल सकती है। अब इसके अंदर एंट्री कब करनी है, तो 165 रुपये के ऊपर निकल जाएगा ये वाली जो कैंडल है, एक स्प्रिंग टॉप कैंडल जिसका ये रेजिस्टेंस मिल रहा है स्टैंड लाइन का, इसके हाई के ऊपर जब निकल जाएगा तब आपको गेल के स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के लो के नीचे का रहने वाला है, बाकी हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे जो भी हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो गेल का चार्ट मुझे यहाँ पे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 135 रुपये के ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे सेकेंड टाइम अपना ऑल इज वेल बना है इस स्टॉक के अंदर। तो ये स्टॉक आप नेक्स्ट वीक के ऊपर आपकी जरूर नज़र इस पर रहनी चाहिए। आज का जो सेकेंड स्टॉक है वो अपने पास में फेम इंडस्ट्रीज का है, और फेम इंडस्ट्रीज़ के हम भाव की बात करते हैं तो 2488 रुपये अपना फ्राइडे का क्लोजिंग भाव है, और लगभग 5% की तेजी फेम इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। और भाई इसका चार्ट भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और चलते चार्ट देखते हैं कैसा फेम इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, यहाँ पे बाहर बच्चे कॉलोनी में अपना क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, तो देखो बच्चों को क्या समझाए, तो थोड़ी सी इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही होगी, है ना। यहाँ पे फेम इंडस्ट्रीज को हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन थी इस ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस ले रहा था, और यहाँ पे हमको एक ब्रेक अवे गैप बनता हुआ नजर आ रहा था फेम इंडस्ट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे लगातार ये गैप रहे, इसको हम लेफ्ट शोल्डर भी कह सकते हैं, उसके बाद लगातार ये हमको इसी ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस रहा। और मैं यहाँ पे पैटर्न की बात करूंगा तो ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड के बाद ये राइट शोल्डर बन गया। तो इस तरह से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का यहाँ पे ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट दिया फेम इंडस्ट्रीज ने। लेकिन मुझे इसका चार्ट क्यों पसंद है उसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रीजन दिखाऊं। अब देखिए चार्ट को जरा ध्यान से देखेंगे ना
तो यहाँ पे ब्रेक अवे के बाद में ये जो एक डे कैंडल है इसी के अंदर पिछले कुछ दिनों से अपना फेम इंडस्ट्रीज काम कर रहा है और जिसका ब्रेकआउट हमको फ्राइडे के दिन होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह की यहाँ पे कैंडल है, आमतौर पे जब ऐसा जब चार्ट बनता है ना तो जो ये वाला जो लो लगता है ये लो ब्रेक बहुत मुश्किल से होता है और वहाँ से स्टॉक एक ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। और वैसे भी मैं अगर आपको बताऊँ तो ब्रेक अवे गैप के बाद में स्टॉक बहुत अच्छी खासी तेजी दिखाता है। तो यहाँ पे जिस तरह का चार्ट है मुझे 200 से लेकर 250 रुपए की मूवमेंट अब भी फेम इंडस्ट्रीज के अंदर आती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह का यहाँ पे इसका चार्ट है मैं कहूंगा कि इस स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हो। थोड़े बड़े टाइम के इस स्टॉक के टारगेट मेरे 3500 रुपए के बनते हैं फेम इंडस्ट्रीज के। बाकी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए 200-250 रुपए की मूवमेंट के लिए खरीदारी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए 3500 के टारगेट के लिए फेम इंडस्ट्रीज के यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक घंटे के चार्ट पे भी इसकी यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ आपको किस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट गैप के बाद में एक राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। और 1H के चार्ट पे अपना यहाँ पे ऑल इज वेल बन चुका है। तो ये अपने पास में 1H का चार्ट है और देखिए पूरा एक ये राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न 1H के चार्ट पे बना है और उसका ब्रेकआउट हमको यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से आज का जो तीसरा स्टॉक है वो अपने पास में यहाँ पे दूसरा स्टॉक है फेम इंडस्ट्रीज। आज का अपना तीसरा स्टॉक है वो है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का। और अगर हम भाव की बात करते हैं तो 2735 रुपये आपका फ्राइडे का क्लोजिंग भाव है और लगभग 3% की तेजी हमको काइनेस टेक्नोलॉजी के स्टॉक के अंदर यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। तो चलते हैं चार्ट पे देखते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी का चार्ट कैसा है। अब देखिए दोस्तों ये अपने पास में काइनेस टेक्नोलॉजी का वीकली चार्ट है। मैं वीकली चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्टॉक का ट्रेंड पता चल जाए कि किस तरह का ट्रेंड यहाँ पे काइनेस टेक्नोलॉजी का है। लगभग 2023 के शुरू में लगभग इसका IPO आया था 600 रुपये के आसपास। तो देखिए 600 रुपये का स्टॉक इस समय 2700 रुपये हो चुका है। अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट IPO के आने के बाद मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फिर से बहुत बढ़िया यहाँ पे पैटर्न सेटअप अपन को काइनेस टेक्नोलॉजी के स्टॉक के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और जब तक मैं यहाँ पे डे चार्ट निकालता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और उम्मीद करता हूँ पिछली बार हमने आपको 500 लाइक का टारगेट दिया था, इस बार भी हमारा फिर से लगभग 500 लाइक का टारगेट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी वीडियो आ रहे हैं आपको पसंद आते हैं, 500 लाइक आप इस वीडियो में ज़रूर कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे काइनेस टेक्नोलॉजी का डे चार्ट है और यहाँ पे जो येलो कलर का मैंने ये जो जोन बना रखा है ये 3000 रुपये का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है काइनेस के लिए। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस रहा, ये एक रेजिस्टेंस रहा और जो देखिए यहाँ पे लो लगते हुए जा रहे हैं ना वो धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ लगते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे डोजी कैंडल के साथ ऊपर गया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल के साथ ऊपर गया और यहाँ पे लगभग 2650 रुपये के आसपास, एक मिनट में लेवल देख लेता हूँ, हाँ लगभग 2700 रुपये के आसपास का ये अपने पास में एक रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट फ्राइडे के दिन होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह का चार्ट मुझे यहाँ पे काइनेस का नजर आ रहा है, 2735 रुपये इस समय स्टॉक का भाव चल रहा है। अभी मैं आपको 1H की कैंडल भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे आपको बाइंग करनी है। 3000 रुपये के टारगेट के लिए काइनेस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है और यहाँ पे 7-8% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों कैंडलों को आप देखोगे ना तो ऊपरी लेवल से 3000 के पास में तुरंत इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। इतनी बड़ी जो विक है ना ये हमको दिखा रही है, ऐसे ही कैंडल ये वाली है 3000 के पास जैसे ही पहुँचता है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जिस तरह का चार्ट है एक काम करिए 2980 रुपये के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच लेना, पूरे 3000 के लेवल पे मत जाना क्योंकि वहाँ से तुरंत आपका हो सकता है कि स्टॉक गिर जाए जिस तरह की कैंडल हमको यहाँ पे दिखा रही है आपके सामने रही। और अब एंट्री कब लेनी है एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1H की कैंडल में अगर आप देखेंगे ना ये अपने एक घंटे की कैंडल है और पिछले 4-5 घंटे से लगातार इसी कैंडल के अंदर ही एक इनसाइड कैंडल बनती हुई जा रही है। तो इस कैंडल के मैं अगर हाई की बात करता हूँ तो हाई अपने पास में है 2742 रुपये का, 2742। तो आपको करना क्या है 2745 के ऊपर जाने के बाद में काइनेस टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री करनी है। रही बात स्टॉप लॉस की तो वो हम वहाँ पे टेलीग्राम पे ऊपर अपडेट कर ही देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन हो लीजिएगा। आज का अपना चौथा स्टॉक है वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का।
और गोकुल दास के अगर हम भाव की बात करते हैं तो 916 रुपये अपना फ्राइडे का क्लोजिंग भाव है और लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी गोकुल दास एक्सपोर्ट्स के स्टॉक के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। तो इसका चार्ट भी मुझे बढ़िया लग रहा है, तो देखते हैं कैसा चार्ट है गोकुल दास का। अब ये अपने पास में गोकुल दास का एक डे चार्ट है और इस डे चार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे गोकुल दास यहाँ पे चैनल के अंदर अपन को काम करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाली जो ब्लू कलर की ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये अपना एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जिसका देखिए दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो ये जो सेकंड नंबर की ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रही है, लगातार ये सपोर्ट है अपने पास में और फिर यहाँ पे स्टॉक गिरा, ठीक इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है और यहाँ पे फिर से अपने पास में इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक हमको चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको हम यहाँ पे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। तो चलिए जी एक बार डबल बॉटम को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये अपने पास में पहला बॉटम रहा, ये पहला बॉटम है, ये सेकंड बॉटम है, इस तरह से नेकलाइन बनती है जिस नेकलाइन का ब्रेकआउट हमको गुरुवार के दिन होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह का मुझे यहाँ पे एक चैनल के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा है गोकुल दास, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन तक अपना टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो गिरावट आती है तेजी आती है और लगातार चलती हुई आ जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे एकदम लगभग आपको 90 डिग्री की रैली नजर आ रही होगी, गिरा तो ठीक ऐसे ही इसमें गिरावट आई, ये फिर स्टॉक सीधा 90 डिग्री ऊपर गया, गिरावट आई तो 90 डिग्री में ऊपर आई। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है फिर से हमको ऐसी इसके अंदर एक रैली देखने को मिलेगी गोकुल दास के अंदर। पहला टारगेट लगभग हम 1000 रुपये का लेके चलेंगे और जो सेकंड टारगेट है वो ये वाली ट्रेंड लाइन होगी। एंट्री कब करनी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने पास में। फ्राइडे का जो हाई है वो कितना है 934 रुपये का, तो फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलने के बाद में आपको गोकुल दास के अंदर यहाँ पे एंट्री करनी है। और ये चार्ट मुझे बढ़िया लग रहा है, एक बढ़िया एक चैनल के अंदर अपना गोकुल दास यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। और आज का अंतिम स्टॉक है आयनोक्स ग्रीन एनर्जी को, और आपको अच्छी तरह से याद होगा आयनोक्स ग्रीन एनर्जी को भी हमने 2 वीक पहले 105 रुपये पे बाई करने के लिए दिया था स्विंग ट्रेडिंग में और लगभग 148 रुपये के आसपास का हाई लगा के आया था। बहुत अच्छी यहाँ पे प्रॉफिट हमको आयनोक्स ग्रीन के अंदर देखने को मिल रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से यहाँ पे आयनोक्स ग्रीन का यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए 10-15% का फिर से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आयनोक्स ग्रीन को सिलेक्ट किया है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस अपन का रहने वाला है आयनोक्स ग्रीन के अंदर और रिवार्ड अच्छा खासा हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम भाव की बात करते हैं, 132 रुपये अपना क्लोजिंग भाव है और लगभग 3.25% की तेजी आयनोक्स ग्रीन के स्टॉक के अंदर फ्राइडे के दिन आई है। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कैसा चार्ट है आयनोक्स ग्रीन का। अभी आप अपने पास में आयनोक्स ग्रीन का एक डे चार्ट है और इस डे चार्ट के अंदर देखेंगे तो लगभग 60 रुपये के आसपास से अपन को एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इस स्टॉक में, तो ये एक तेजी रही और यहाँ पे अपना ये ओरिजिनल बना और इस वाले ब्रेकआउट के ऊपर हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करने के लिए आपको दिया था। और जैसे ही देखिए यहाँ पे ये मूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक ऐसी फिर से अपन को ये मूवमेंट रही और सेम टू सेम लगभग एक फ्लैग पैटर्न टाइप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछली बार अपना लगभग ऑल इज वेल यहाँ पे बना था और अभी ऑल इज वेल बनने में 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे 1H के चार्ट पे यहाँ पे थोड़ा से स्ट्रॉन्ग लग रहा है और यहाँ पे अपन को बुलिश एंगलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पे 1H के चार्ट पे इस पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और देखते हैं 1H के चार्ट पे चलते हैं जिसकी वजह से मैंने इस स्टॉक को बाय के लिए सेलेक्ट किया है, तो वो चार्ट भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए जी 1H का चार्ट अपने पास में आ चुका है आयनोक्स ग्रीन का और यहाँ पे 20 EMA को तो मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि हम देख चुके हैं 20 EMA को। अब देखिए जी ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है 1H के चार्ट पे, ये अपने पास रेजिस्टेंस रहा और फ्राइडे के दिन लास्ट के घंटे के अंदर यहाँ पे एक अच्छी खासी हमको मारुबोजू कैंडल बनी है और इस लेवल के ऊपर क्लोज होती हुई नजर आ रही है। साथ में ये जो एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था जिसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो सिर्फ ये जो मैंने येलो कलर का जोन बना रखा ना ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है और फ्राइडे का हाई 134 है उसी के ऊपर निकलने के बाद बाई करना है। और यहाँ पे ये जो रिसेंटली हाई अपन को लगाए थे ये वाले टारगेट आयनोक्स ग्रीन के अंदर फिर से आ सकते हैं, इसलिए इस स्टॉक को आप यहाँ पे बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने 5 स्टॉक के ऊपर बात करी है, मैं फिर से आपको नाम रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला स्टॉक अपने पास में था गेल का, गेल के बाद हमने बात करी थी यहाँ पे काइनेस टेक्नोलॉजी और फेम इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करी थी, आयनोक्स ग्रीन था और गोकुल दास एक्सपोर्ट्स था। और लास्ट में फिर से एक डिस्क्लेमर है, ये जो वीडियो बनाया गया ये सिर्फ एक एजुकेशन की मकसद से है, खरीदार बिकवाली करने की कोई राय नहीं है, जो भी कुछ आपको करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर कर सकते हैं, साथ में अपने खुद की भी एनालिसिस इन स्टॉक्स के अंदर जरूर करना,
ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी एनालिसिस गलत हो जाए, है ना। और वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, 500 लाइक का एक छोटा सा टारगेट अपना, वो आप कंप्लीट कर दोगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे ही रखा है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और लास्ट में, आपको कौन सा फेवरेट स्टॉक है, इनों में से आपका जो पसंदीदा कौन सा स्टॉक है, वो मुझे जल्दी से कमेंट्स करके भी आप बता देना।